नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देश के नागरिकों को देश के प्रति करने होते हैं, यानी उनको अधिकार देते हैं, तो अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी मूल कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति करते होते हैं, देश के प्रति उनकी सेवा है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितने थे? तो भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में। कब जोड़े गए मूल कर्तव्य? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश में जोड़े गए? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रश्न आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्य? तो संविधान में ये जो मूल कर्तव्य कर्तव्य से स्थान करता है, ये उल्टा चार कर में, यानी मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में? भाग चार में भी कहां पे? तो कर्तव्य के आगे है, इस चार के आगे बना हुआ है ये कै। तो मूल कर्तव्य भाग चार कै में है, या इसे बोल सकते हो भाग चार ए या कै में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद में? तो मूल कर्तव्य संविधान में अनुच्छेद 51 कै में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए थे 10 मूल कर्तव्य संविधान में। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, यानी अगर कोई नागरिक मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो भी उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायिक बाध्यकारी नहीं है, जबकि मूल अधिकार न्यायिक बाध्यकारी है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो आरटी जो एक बनाया गया वो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, यानी सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ। जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान आदि का आदर करना पालन करना, ये आता है। सबसे पहले संविधान आता है, भारत के संविधान का पालन करना और उसके जितने आदर्श है राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गीत इन सब का पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन में यानी देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में जिन राष्ट्रीय आंदोलन में जिन नेताओं ने भाग लिया उन्हें हृदय में सजग रखना और उनका आदर करना और हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना। भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। देश की रक्षा करना व आह्वान किया जाना कि देश पर अगर कोई संकट आए तो राष्ट्र की सेवा करना। सभी लोगों में समरसता व समानता की भावना विकसित करना, यानी बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना आ जाती है। हमारी सामाजिक संस्कृति को बनाए रखना, गौरवशाली प्राचीन परंपराएं हैं उनको बनाए रखना। प्राकृतिक पर्यावरण यानी उसमें वन आ जाएगा, नदी आ जाएगी, झीलें आ जाएगी, वन्य जीव आ जाएगी, उनकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना व अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना। फिर आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना, और माता पिता व सर्वसुखों का कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें।